ड्रिंक है, आपको ब्रेन टॉनिक है, बॉडी टॉनिक है, स्किन टॉनिक है, बाल का टॉनिक है, कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए खा सकते हो, अल्सर प्रॉब्लम है तो उसके लिए खा सकते हो, पेन किलर बेस्ट, पेन होता है लेडीज को जो पेन होता है, पीएस प्रॉब्लम्स में पेन होता है उसके लिए बेस्ट टॉनिक है, ठीक है। इसके अंदर रोजेल भी डाला हुआ है, वाइटामिन सी, तो वो भी औरतों के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर आपके पास रोजेल भी जूस आया हो तो उसको भी मैं बताऊंगी, तो इसको आप लोग जितना पियोगे उतना। क्रैम्स आते पैर में, क्रैम्स आते पैर में बेस्ट टॉनिक, मैंने हैदराबाद में एक लेडी को दिया क्रैम्स के लिए, उसका अच्छा, उसने 10 लेडीज को अपने मेंबर्स बनाया और ये इससे शुरू किया है, तो क्रैम्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि हम घर में खड़े रहेंगे, बाहर चल के हमारे पैर में बहुत क्रैम्स आते हैं, उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोग इजीली यूज कर सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, एज अ टॉनिक भी दे सकते हो, तो ये मॉडर्न ग्रोथ है, बिना कैसे ग्रो होता है, पानी के ऊपर काई से बनता है, और लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजफुल है, हर एक यूज कर सकता है, माँ के पेट में जो बच्चा है तब से लेके जो बूढ़ा आदमी बेड पे सोया है वो भी इसको यूज कर सकता है। मल्टी वाइटामिन है, इसकी 12 कैंडीज अगर खाते हो तो 2 चिकन, 7 ग्लास दूध, 25 एप्पल की ताकत मिलती है। चिकन नहीं है इसमें, शाकाहारी लोग परेशान मत होना, चिकन है इसमें, चिकन नहीं, मैं खाली ताकत बता रही हूँ, 2 चिकन, 7 ग्लास दूध, 25 एप्पल की ताकत 12 कैंडीज में मिलती है, तो अगर ये आप 6 भी खाओ तो आपको 1 चिकन की ताकत मिलेगी, ठीक है। जिसको वेट रिड्यूस करना है उसके लिए भी अच्छा है, जिसको बढ़ाना है उसके लिए भी अच्छा है। वेट रिड्यूस करने के लिए बिफोर हाफ एन आवर 45 मिनट बिफोर लेना है खाने से पहले, और जिनको मोटा होना है खाने के बाद लेना है, बस इतना ही हमको दिमाग में रखना है। इसमें अगर आप पूरी बॉटल में एक दिन में खाओगे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं। आप किसी को अगर ये दे रहे तो ये नहीं बोल रहा उसको सामने वाले को, ये नहीं, आपको डर नहीं होना चाहिए कि मैं इसको दूंगा ये पूरा खाएगा तो उसको कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ, इससे आप दे सकते हो, इजीली वो लोग खा सकते हैं। मैं सुबह सुबह वादा करती हूँ, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। इसने अभी आने के बाद इधर खाया, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट खाई थी, खाना नहीं खाई, तो बैग में था, निकाल के भी खाई और यहाँ आके बैठी। तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, दिस इज फूड सप्लीमेंट। भूख लगी तो इसको भी उठा के खाओगे तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है। बच्चे लोग बल्कि मामा मोर मोर करके खाते हैं, लोग ज्यादा मांग के खाते हैं। मैं अपनी बिल्ली को भी देती हूँ, जब सुबह सुबह मैं ऐसे हिला के लेती हूँ तो आके मेरे बाजू में खड़े देती हूँ, पूछे मेरा हाथ मुंह में जाने नहीं देती, खींचते रहती, मुझे दो पहले मुझे दो, जब उसको दो खिलाती तब मैं अपना खाती हूँ, मुझे हाथ खिलाने देती, उसको भी बहुत पसंद है। तो हम अपने जानवरों को भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बेस्ट फूड है। खून की कमी जिसमें है, एनीमिक होते हैं ना, डॉक्टर देख के बोलते हैं अरे आपने तो खून ही नहीं, आप पीली पड़ रही हो, उसके लिए बेस्ट है। आप 2-2 घंटे से 4-4-4 खाओ, आपका खून जो कम हो गया वो पूरा आपका सही आ जाएगा, दूसरे दिन आप जाके टेस्ट कराओ, डॉक्टर बोलेंगे खत्म हो गया, एनीमिक नहीं हुआ। तो ये बेस्ट चीज है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, औरतों के लिए बहुत अच्छा है, लेडीज को, लड़कियों को पीएस प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। प्रेग्नेंट लेडी को मैं 20-25 पर डे खाने देती हूँ, ताकि उसके कोप में जो बच्चा पल रहा है उसको भी फायदा हो, माँ का डिलीवरी इजी हो। माँ के दूध के बराबर की ताकत है इसमें, GLA, माँ के दूध के बराबर की ताकत किसी फ्रूट में, किसी में सुना है नहीं है, लेकिन हमारे स्पिरुलिना में है, बेस्ट स्पिरुलिना, दूसरी कंपनी के पास भी है, लेकिन मैं इसी की तारीफ करूंगी कि मैंने जांच करके देख चुकी हूँ उनका कैसा है, हमारा कैसा है, इसमें जो ताकत है कहीं पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी के लिए गए, डॉक्टर बोलेंगे खून की कमी है, आपको खून चाहिए, दूसरा किसी का खून लेने से अच्छा ये खून बेहतर है ना, और लेने से अच्छा ये खून चढ़ा, उसको खाने दो, उसका खून की कमी है खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा उसको कितना खून कहाँ से मिला। तो ये बेस्ट खुराक, बेस्ट ताकत की चीज है, औरतों को खाने की फुर्सत नहीं मिलती, हम लोग बहुत हाइपर रहते हैं ना, ये करना वो करना इधर जाना, तो कुछ खाने का टाइम नहीं मिलता। अगर ये खाओ आपको खाना नहीं भी खाएंगे तो आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी, आप ये मत समझना मैंने खाना नहीं खाई तो मुझे कमजोरी आएगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी, कुछ नहीं होगा, ये आपको पूरी ताकत होगी। बेस्ट फूड है, इसको चेंज करो, औरतों को दो, छोटी बोतल दो, बड़ी बोतल ले दो, छोटी पहले दो, एक बोतल खाने से ही उनको पता चलेगा उनको कितनी ताकत मिल रही है, अगर वो एक बोतल खाएंगे तो दूसरी बार आपको जरूर बोलेंगे हमको बड़ी बोतल लाके तो हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वो ताकत है स्पिरुलिना, तो ये इस तरीके से ग्रो होता है एल्गे पे और पानी पे, और बहुत सारे लोगों ने शाकाहारी नहीं, क्यों शाकाहारी नहीं, तालाब में बनता है मतलब उसके अंदर मछलियां भी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन नहीं, मैं 3 बार अपने फार्म हाउस गई हूँ और मैंने 3 बार हमेशा अलग अलग क्वेश्चन किए, उसके अंदर मछलियां होती है क्या, उन्होंने कहा नहीं, जो हमारा जब एल्गे आता है एल्गे निकाल के मशीन में डाला जाता है और जो पानी बच जाता है उसको बहाया जाता है और फिर नया पानी डाल के फिर से एल्गे उगाया जाता है,
मतलब उस तालाब में मछलियां नहीं होती है।